अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। मतलब साफ है कि देश में कानूनी लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक आम आदमी भी इस कतार में शामिल था, लेकिन उसने 11 साल की चली कानूनी लड़ाई को जीत लिया है। दरअसल आपको बता दें कि केस 600 रुपए में जूते से जुड़ा हुआ था, जहां पर शिवराज ठाकरे ने 11 साल पहले 600 रुपए के जूते खरीदे, लेकिन 2 दिन बाद ही जूते का लोज अलग होने लगा। आपको बता दें कि सोल अलग होने लगा, जिसकी वजह से शिवराज जब जूते लेकर दुकानदार के पास पहुंचा तो उसने जूते वापस करने से मना कर दिया। वहीं जिसके बाद शिवराज ने अपने हक की खातिर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था और उपभोक्ता फोरम ने 11 साल बाद दुकानदार 600 रुपए के जूते के बदले 3040 रुपए का भुगतान करने का आदेश भी दिया। तो लेकर के मैंने जो है उपभोक्ता फोरम में अपना मामला दायर किया मैंने, जिसपे यहाँ मतलब जो है यहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ मैं, और अपील करके मैं स्टेट फोरम भोपाल को जो है मैंने जो है अपील किया। वहाँ पे मुझे जो है मेरे पक्ष में जो है न्याय मिला और मैं पुनः जो है जिला उपभोक्ता फोरम में आकर के जो है यहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क किया और मुझे जो है आज की डेट में 3040 रुपये उसका भुगतान जो है मुझे जो है नगद में प्राप्त हुआ। जिला उपभोक्ता फोरम और स्टेट राज्य उपभोक्ता फोरम के ऊपर मैं पूर्ण विश्वास करते हुए जो है मैंने अपना पक्ष रखा, जिसमें मुझे जो है पूर्ण न्याय मिला और मैं उस न्याय से बहुत संतुष्ट हूँ।